वालेकुम नाजरीन आज हम आपके साथ आलू और चिकन बनाने की एक बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी शेयर करेंगे जो कि सर्दियाँ हों गर्मियां हों या कभी आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या पकाएं, तो आप ये सालन पका सकते हैं क्योंकि ये दो इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं आलू और चिकन जो घर में मौजूद रहते ही हैं आप किसी भी टाइम इनको पका सकते हैं और बच्चों और बड़ों दोनों की ये फेवरेट डिश है खास तौर पर बच्चों वाले घर में तो ये बहुत ही पसंद की जाती है चले अब इसको तैयार करते हैं इसके लिए प्रेशर कुकर में दो चम्मच पकाने वाले कुकिंग ऑयल के लिए हमने थोड़ी देर इसको गर्म कर लिया है और एक मीडियम साइज का अनियन काट के हमने इसमें ऐड कर दिया है अब इस अनियन को इतनी देर फ्राई करना है कि इसके किनारे गोल्डन हो जाएं। और इधर हमने अदरक और लहसुन को मोटा मोटा कूट के रख लिया है अनियंस को देखते हैं अनियन के किनारे थोड़े थोड़े गोल्डन हो गए हैं अब हमने इसमें अदरक और लहसन जो मोटा मोटा कूट के रखा हुआ था उसका चम्मच ऐड कर दिया है फ्रेश कूटा हुआ अदरक और लहसन हम ऐड कर रहे हैं, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बजाय इसके कि हम इसमें पहले से बनी हुई पेस्ट ऐड करें थोड़ी देर इसको भी भून लिया है और इसके साथ ही हमने दो मीडियम साइज के टमाटर ऐड कर दिए हैं फ्रोजन है और इसके अलावा हमने क्वार्टर ग्लास इसमें पानी का डाला है अब हम इस पे लिड रखेंगे और दो तीन सीटियों तक इसको पका लेंगे ताकि प्याज और टमाटर गल जाए इतनी देर में हम दूसरे इंग्रीडियंट देखते हैं इधर हमारे पास चिकन है जो की डेढ़ किलो है और तीन मीडियम साइज के आलू हैं जिनको हमने मोटा मोटा काट लिया है स्पाइसेस में एक चम्मच नमक है एक चम्मच लाल मिर्च है एक चम्मच जीरा है एक चम्मच धनिया पाउडर है क्वार्टर चम्मच हल्दी है क्वार्टर चम्मच साबुत काली मिर्च है एक बड़ी इलायची है और चार छ लौंग हैं। हरा धनिया और हरी मिर्ची हम यूज करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला हमें चाहिए होगा और थोड़ा सा हम इसमें दही भी डालेंगे तो अब हमने ये जो प्रेशर कुकर को प्रेशर दिया हुआ था उसको ओपन किया है हमने और इधर रे टमाटर और प्याज हमारे गल चुके हैं आप चाहें तो प्याज टमाटर और अदरक और लहसन डायरेक्टली कुकर में डाल के गला सकते हैं लेकिन ये जो फ्राइड अनियन का अरोमा है वो इस सालन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड करता है इसलिए हमने अनियन को और अदरक और लहसन को पहले फ्राई कर लिया था अब हमने इन प्याज और टमाटरों को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है और साथ ही हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं थोड़ी देर के लिए इसको भून लेंगे ताकि मसाले हमारे भून जाएं। और जैसे ही हमारे मसाले भुन गए दो से तीन मिनट लगे इनको इसके बाद हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया है अब हमने इस चिकन को अच्छे से भून लेना है ताकि इसका अपना पानी सारा खुश्क हो जाए पाँच पांच-छः मिनट हो गए हैं चिकन को भूनते हुए और इससे चिकन की भुनने की खुशबू आना शुरू हो गई है और पानी भी सारा ड्राई हो गया इस स्टेज पे हमने ये वाला डेढ़ से दो चम्मच दही के फेंट के रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे दही हमेशा ऐड करने से सालन की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है और इसमें बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है तो थोड़ा बहुत दही जरूर ऐड कर लिया करें जब भी आप मीट का सालन बनाने लगे तीन चार मिनट के लिए हमने दही को भी भून लिया चिकन के साथ तो अब हमारा चिकन का बड़ा अच्छा सा एक मसाला तैयार हो गया है इस स्टेज पे हमने जो आलू काट के रखे हुए थे वो ऐड कर देने हैं आलू को हमने पानी में डाल के रखा था ताकि इनका रंग काला ना हो जाए तो अब हमने इन आलुओं को भी चार से पांच मिनट चिकन के साथ भून लेना है जब भी शोरबे वाला सालन बनाने लगे तो इस तरह से मोटे कटे हुए आलू हमेशा ऐड करें। और जब खुश्क सालन हो जिसमें शोरबा नहीं चाहिए तो फिर भले इसमें छोटे छोटे आलू काट के डाल दें तो ये देखें अच्छे से हमने आलुओं को भी भून लिया और अब हमने इसमें दो गिलास पानी ऐड कर दिए हैं या आप देख लें कि आपको कितना शोरबा चाहिए वैसे इस सालन की क्वांटिटी में दो गिलास पानी बिल्कुल मुनासिब है अब इसी पानी में आलू भी गल जाएंगे और हमें मुनासिब क्वांटिटी में शोरबा भी मिल जाएगा तो अब हम इस पे लिड रखेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे ताकि आलू गल जाएं। 10 मिनट हो गए लिड हमने उठाया है आलू और चिकन हमारा बड़े अच्छे से पक चुका है एक आलू को मैंने तोड़ के ट्राई किया था जो कि मुनासिब गल चुका था आपको दोबारा दिखाते हैं ये देखें आलू हमारे गल गए हैं और जो थोड़ी बहुत इसमें कसर है वो जब हम सिमर कराएंगे धनिया और हरी मिर्च डाल के वो उस टाइम पे निकल जाएगी तो अब हमने इसमें धनिया और हरी मिर्चों को काट के रख लिया था लंबे रोख हरी मिर्चों को काटा है मैंने बारीक नहीं काटी ताकि सालन ज्यादा स्पाइसी ना हो जाए धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं और साथ ही आधा चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर दिया है मिक्स करेंगे और अब हम इस पे लेट रख के इसको तीन से चार मिनट के लिए फाइनल वेरी लो फ्लेम पे सिमर करा देंगे तीन चार मिनट हो गए सालन को सिमर होते हुए लेड उठाया है हमने और कुकिंग ऑयल सारा ऊपर आ गए सालन के और हरे धनिए और हरी मिर्चों और गरम मसाले का फ्लेवर सालन में शामिल हो चुका है तो ये हमारा आलू और गोश्त का सालन तैयार है इसको प्लेट में डालेंगे ये देखें सालन को हमने प्लेट में निकाल लिया है खूब सारा हरा धनिया और हरी मिर्ची आपको नजर आ रही होंगी हरा धनिया और हरी मिर्चें इस सालन की जान है ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर ये ऐड करते हैं इस सालन में तो बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू गोश्त या आलू चिकन का सालन तैयार है आप ज़रूर ट्राई करें इनशाला आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और जाते जाते हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते चलें कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट भी जरूर किया करें हमें इजाजत दें अपना ख्याल रखें थैंक यू फॉर वॉचिंग